हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेकअप को रिमूव कैसे करें, अपनी स्किन केयर कैसे करें। सो ये देख सकते हैं आप मेरा मेकअप लुक, जो कि मैं अगली वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। सो यहाँ मैंने अपनी आईलैशेस निकाल ली हैं और इन्हें अच्छे से मैं इसकी बॉक्स में सेव करके रख दूँगी। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत ही अच्छा है आपके मेकअप को रिमूव करने के लिए। मेकअप रिमूवर की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव करते हैं, बहुत ही इजीली निकल जाता है ये आपकी स्किन से। और इस तरीके से अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई करेंगे और अच्छे से मसाज देंगे तो आपका मेकअप बहुत इजीली जो है वो रिमूव हो जाता है और हमारी जो स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, बहुत ग्लो करती है। सो मेकअप रिमूवर ना यूज़ करते हुए आप अगर कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो बेस्ट होता है ये वो आपकी स्किन के लिए। सो अच्छे से मसाज देंगे अपने फेस को। इस तरीके से और देख सकते हैं आप पूरा मेकअप बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और उसके बाद मैं ले रही हूँ एक टिश्यू, जिससे कि मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। एंड फेस रिमूव करने के लिए, क्लीन करने के बाद मैं ले रही हूँ व्यायाम का, आयुर्वेदा का ग्लो फेस वॉश। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है और ये है मेरे पास नीम का फेस वॉश है ये, और बहुत अच्छा फेस वॉश है, इसे मैं डेली यूज़ करती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छी, आपकी डस्ट सब रिमूव हो जाते हैं इसे यूज़ करने से। सो आप फेस वॉश कर लेंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फेस वॉश है ये। और इसके बाद मैं लूँगी एज अ टोनर रोज़ वाटर मैं अप्लाई करूँगी। और अगर आप डेली यूज़ में भी अगर आप रोज़ वाटर को कॉटन की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई करते हैं तो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे। इसके बाद मैं ले रही हूँ NYB का फेस सीरम, अपने फेस पर अप्लाई करूँगी इसे। बहुत ही अच्छा ये फेस सीरम है, तो अच्छे से इसे अपने फेस में, स्किन में जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो जाए इसे इस तरीके से अप्लाई करेंगी। उसके बाद मैं ले रही हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री जेल, अगर आप जेल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप कोई भी अपनी मॉइस्चराइज़र के लिए क्रीम यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे जेल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादातर जेल भी यूज़ करती हूँ। इसके बाद मैं ले रही हूँ लिप बाम, जो कि मैंने खुद बनाया था, ये होममेड लिप बाम है और देसी घी का है। सो अगर आप लिप बाम यूज़ नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट देसी घी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन ये हमारा स्किन केयर था, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो